उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के कांगुरा नागराज मंदिर के पुनर्स्थापना जागरण समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी का श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले उन्होंने मंदिर के पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। यह आयोजन क्षेत्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाएगी। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को भगवान कांगुरा नागराजा मंदिर की पुनर्स्थापना जो कि आप सबके प्रयासों से और अभी ब्लॉक प्रमुख जी और हमारे विधायक जी कह रहे थे, अनेक अनेक लोगों ने हमारे दिलवर सिंह रावत जी समेत हमारे ग्राम प्रधान जी और अन्य लोगों ने और अन्य महानुभाव ने जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया है और जल्दी से इतना भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, मैं उसकी आप सबको बधाई देता हूं। भगवान नागराजा पूरे उत्तराखंड में कहीं ग्राम देवता के रूप में, कहीं कुल देवता के रूप में, तो कहीं भूमियाल के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान नागराजा के प्रति हमारी आस्था न केवल हमारे जो धार्मिक विश्वास है उसको दर्शाती है, बल्कि यह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, वह भी यहाँ पर प्रदर्शित होती है। भगवान नागराजा हम सबके जीवन में सदैव शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं, हमारी रक्षा के प्रतीक रहे हैं। वो हमेशा हमको आपदाओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी आत्माओं से बचाने का काम करते हैं, बुरी दृष्टि से बचाने का काम करते हैं। उनकी कृपा से हमारे सभी प्रदेशवासियों का जीवन सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, यही मेरी भगवान से कामना है कि भगवान नागराजा हम सब की मनोकामना जो यहाँ पहुंचे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं उन सब की मनोकामना पूर्ण करें, उनके जीवन में, उनके घरों में हर प्रकार से मंगल करें। भाइयों बहनों, भगवान नागराजा को समर्पित यह रमणीय स्थल जल्द ही एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। 11 जून 2022 को मैंने यहाँ पर देवभूमि कांगुड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अभी हमारे विधायक भी कह रहे थे बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई हैं, क्योंकि बीच में चुनाव का भी समय रहा। हमारी बहन प्रभा बिस्ट जी कह रही थी वहाँ मातृशक्ति बंधन का जो टिहरी में कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मैंने कुछ घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए करी थी, लेकिन बीच में 3-4 महीने जो लोकसभा चुनाव का रहा उसके कारण से बहुत सारे काम थोड़ा सा हमारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं